हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल रसोई रंगा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेकर आए हैं, फिश करी। तो देखिए हमारी फिश करी देखने में ही कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए हमने 1 किलो फिश ले लिया है और इसमें हमने नमक और हल्दी ऐड करके और इसे हमें अच्छी तरीके से मिलाना है। तो इस तरीके से हमने हल्दी भी ले लिया है और इसे सारे पीसेज में अच्छी तरीके से मिलाना है और इसे लगभग 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें हल्दी और नमक अच्छी तरीके से लग जाए। तो देखिए हमने मछली तलने के लिए एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। मछली हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही टेस्टी बनती है और इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो इसीलिए अगर आप मछली बनाते हैं तो इसमें और कोई भी तेल का ट्राई मत कीजिएगा, ऐसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा। तो देखिए हम पैन में तेल हमारा गर्म हो चुका था तब हम इसमें पीसेस डाल दे रहे हैं और इसे हम बहुत ही कम तेल में इसको सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो अधिक तेल में इसे डीप फ्राई कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी तरीके से हम मछली को तल लेंगे कम ही तेल में। तो इस तरीके से उलट पुलट करके और हम इसे मछली तलने के समय गैस के फ्लेम को हाई रखिएगा, ऐसे लो मत कीजिएगा नहीं तो मछली के पीसेस सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे तेज़ी आंच पर फ्राई करना है। तो अगर आप मछली खाना पसंद करते हैं तो आप इसी तरीके से मछली ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए ये पीसेस गोल्डन हो चुके हैं। इसे बहुत ज़्यादा कड़ा करके हम नहीं फ्राई करते हैं, ज़्यादा कड़ा कर देने से ये पीसेस बहुत कड़ा कड़ा हो जाता है। इसे हल्का सॉफ्ट ही रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये पीसेस निकाल लिए। अब इसी पैन में हम और बाकी के जो पीसेस है सबको हम डालकर और इसे देखिए हमने एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला है, उतने तेल में ही हमारा मछली बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। तो जितने बचे हुए पीसेस हैं हम इस बार सब इसमें डाल देंगे और ये बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाएगी। तो देखिए ये भी पीसेस हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया और कम ही तेल में बहुत बढ़िया तरीके से हमारी मछली फ्राई हो गई। सबको हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारी सारी मछली हमने तल लिया। आप चाहें तो इसे
बिना करी मछली करी बनाए ऐसे ही फ्राई आप खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन हम यहाँ पर फिश करी बनाएंगे तो इसके लिए हमने मसाले ले लिए हैं। इसमें हमने सूखी 5-6 मिर्च ली है, लहसुन और हरी मिर्च ली है और सरसों, इन सभी का हमें पेस्ट बना लेना, और ये बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है। और इसमें हमने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और इसमें नमक हम डाल दिए हैं मसाले में ही, और इसमें हम हल्दी भी डाल देंगे। और वो जो कटोरी में रखा हुआ है वो मसाले का पानी है जो हमने जार में धोकर रखा था। तो इस तरीके से हम इसमें हल्दी, नमक और धनिया पाउडर तीनों ऐड कर दिए हैं। और इधर हमने 2 बड़ा बड़ा टमाटर हम ले लिए, क्योंकि फिश करी में टमाटर बहुत ज़रूरी है, कुछ भी खट्टा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो कि सरसों का मसाला है तो इसमें कुछ भी खट्टा डालना ज़रूरी है, नहीं तो सरसों में कड़वापन आ जाता है। तो इसीलिए हमने 2 बड़े बड़े टमाटर लिए थे। और अब हम कढ़ाई में तेल डाल दिए, तेल डालने के बाद उसमें हमने मेथी डाल दिया और 1 सूखी मिर्च और सारे मसाले हम इसी में डाल दिए हैं। और वो जो पानी हमने जार धोकर रखा था मसाले वाले, वो पानी भी इसमें हम मिला दिए और इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए इसे ढककर इस मसाले को बहुत अच्छे से हमें पकाना है। और इसमें हमने जो टमाटर काट कर रखे थे उसे भी हम डाल दिए, उसे अभी इसलिए डाले क्योंकि टमाटर भी हमारा पक जाए बढ़िया से मसाले के साथ। तो इस तरीके से देखिए हमारा मसाला भुंजा रहा है, इसे मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है। और जब तक हमारा इधर मसाला तैयार हो रहा है तो हम फिश करी में कुछ आलू भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोगों को फिश करी में आलू बहुत ही पसंद आता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप फिश में अगर 2 आलू इस तरीके से फ्राई करके डालिएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। फिश के साथ साथ इसका आलू भी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, इसीलिए अगर आप चाहें तो इसमें आलू डाल सकते हैं। और हमने जिस तेल में मछली को फ्राई किया था उसी तेल में थोड़ा सा तेल बचा हुआ था उसी में हम आलू भी फ्राई कर दे रहे हैं। इसमें देखिएगा ज़्यादा तेल का हमने यूज़ नहीं किया है और ये बनकर फिर भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो देखिए इधर हमारे मसाले तैयार हो रहे हैं और उधर हम आलू को फ्राई कर ले रहे हैं। तो देखिए ये हमारा आलू धीरे धीरे गोल्डन कलर आ रहा है और इधर हमारा मसाला भी तेल छोड़ रहा है, दोनों एक साथ काम चल रहा है। तो ये बनकर बहुत जल्दी, इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपका फिश करी बहुत जल्दी बन जाएगा। अब इधर हम जो आलू फ्राई करके रखे उसको हम मसाले में डाल देते हैं, क्योंकि मसाले के साथ आलू को कुछ देर पकाना है, इसीलिए अब इसको हम मसाले के साथ पकाएंगे। तो देखिए हमारा मसाला बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी मिला देते हैं, आपको जितना इसमें ग्रेवी रखना है आप उसी अनुसार इसमें पानी डालिएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा अधिक डालें क्योंकि आलू को भी पकना है और पकते समय कुछ पानी सोख लेगा, तो इसीलिए हम इसमें कुछ पानी अधिक डाले हैं। और इसे ढककर कुछ देर आलू को हम पकाएंगे ताकि आलू हमारा कच्चा ना रहे। तो ढक्कन हटाकर हम चेक कर रहे हैं कि आलू हमारा पका कि नहीं। देखिए दोस्तों अभी ही इसमें कलर कितना बढ़िया आया है, अभी ये जब बनकर तैयार होगा तो और भी बढ़िया आएगा। और जितना ये देखने में आपको अच्छा लग रहा है उतना ये खाने में भी अच्छा लग रहा है। तो आलू हमारा गल चुका है, इसीलिए हम इसमें अब सारे मछली के पीसेस डाल दिए हैं
और इसे ढककर बस 2-3 मिनट तक इसे खोलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी फिश करी अच्छी तरीके से खोल रही है। इसको हम कुछ देर और ढककर इसको रख दिए थे और अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें हमने धनिया पत्ता ऐड कर दिया है और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद हमारी फिश करी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो ये आपके सामने है टेस्टी टेस्टी फिश करी। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ से कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, हमको जानकारी ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।